नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएपी खाद के बारे में। डीएपी खाद में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और डीएपी का उपयोग अपने को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी फसल में डीएपी का उपयोग अपन करें और डीएपी के साथ किसका उपयोग करें, डीएपी और एसएसपी में क्या अंतर होता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए आज का रहेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपने टेक्निकल खेती चैनल। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। आपके लिए यहां पर फसलों से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारियां लाई जाती है, आपके लिए ताजा दाना लाए जाते हैं और साथ ही मौसम की जानकारी यहां पर टाइम टू टाइम लाई जाती है। तो दोस्तों हमसे जरूर जुड़े। दोस्तों डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। दोस्तों डीएपी में N2 मतलब कि नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है तथा फॉस्फोरस की मात्रा 46% होती है। डीएपी में ओनली 2 कंपोनेंट ही पाए जाते हैं, N2 और फॉस्फोरस। जब अपन फसल में डीएपी की बिजाई करते हैं तो 2 तत्व नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अपनी फसल को मिलते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का क्या काम रहता है ये अलग से आपको डिटेल से वीडियो में बता दिया जाएगा। दोस्तों नाइट्रोजन की पूर्ति अपन अपनी फसल में जब यूरिया देते हैं तो उससे हो जाती है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए डीएपी अगर अपनी फसल में बीजते हैं तो उसके साथ यूरिया ना बीजे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डीएपी में 18% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और फिर जब फसल अपनी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जैसे 1-2 महीने की हो जाएगी, तब अपन अलग से यूरिया और दे देंगे और साथ में कौन सा क्या मटेरियल देना है वो अलग से आपको उस टाइम पर बता दिया जाएगा। अगर अपन सरसों की फसल के लिए डीएपी की बिजाई करवा रहे हैं तो फिर आपको डीएपी के साथ सल्फर की भी बिजाई करवानी चाहिए, क्योंकि तिलहन वाली फसल के लिए सल्फर जरूरी है। और अपन ने पहले बात की है कि डीएपी में सल्फर नहीं होती है, सो सल्फर की बिजाई आप साथ में जरूर करवाएं, या फिर आप चाहो तो फूल आते टाइम यूरिया के साथ सल्फर दे सकते हो। अब बात करें डीएपी और एसएसपी में क्या अंतर है। कई किसान भाई एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट बीजते हैं, तो भाइयों एसएसपी में N2 की मात्रा 0% रहती है, मतलब कि N2 नाइट्रोजन एसएसपी में नहीं पाया जाता। तो अगर आप एसएसपी बीजते हैं तो उसके साथ यूरिया जरूर बीजे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया से हो जाएगी। और एसएसपी में फॉस्फोर 16% प्रेजेंट होती है और सल्फर और कैल्शियम की मात्रा भी एसएसपी में पाई जाती है, लेकिन फॉस्फोरस की मात्रा 16% ही होती है। और अपन ने पहले देखा कि डीएपी में फॉस्फोरस की मात्रा 46% होती है। तो अगर आप एसएसपी की बिजाई कर रहे हैं तो आपको एसएसपी 3 गुना बीजना पड़ेगा। दोस्तों बात करें कि डीएपी की बिजाई कौन कौन से फसलों के लिए अपन कर सकते हैं, तो दोस्तों डीएपी की बुआई आप सभी दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए कर सकते हो, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आता है जो लगभग सभी फसलों के लिए आवश्यक तत्व है। और जो तत्व डीएपी में नहीं होते हैं वो अपन अलग से मिलाकर बीज सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो सरसों की फसल के लिए डीएपी के साथ सल्फर मिलाकर अपन बीजते हैं, उसी प्रकार सभी फसलों के लिए आवश्यक तत्व को अलग से अपन मिलाकर बिजाई कर सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो अगर आप सरसों की बिजाई कर रहे हैं और उसके लिए डीएपी बीज रहे हैं तो आपको साथ में दानेदार सल्फर बीजने चाहिए, तो अपनी फसल को N2 मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर तीनों की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप एसएसपी बीजना चाहते हैं तो आपको यूरिया साथ में बीजना चाहिए, ताकि अपनी फसल को नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर तीनों मिल सके। जो कि पहले आपको बताया है कि एसएसपी में नाइट्रोजन 0% होती है, नाइट्रोजन अब्सेंट होती है, तो आपको यूरिया साथ में बीजना चाहिए। और कोई आपका सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे डीएपी और एनपीके में बेहतर कौन सा है, डीएपी और एनपीके में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।